कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, तो SO3 इसमें क्या जोड़ दोगे बेटा, क्या बन जाएगा, तो SO3 क्या है, एनहाइड्राइड है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, नोट कर लीजिए। तो ऑक्सी एसिड क्या होता है, तो कहेंगे HNZYOZ, Z यहाँ पर नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ZOH बॉन्ड होना चाहिए नॉन मेटल के ऑक्साइड में। अगर हम पानी ऐड करेंगे तो जो चीज़ बनेगी उसको क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड, ठीक है। दो एग्जांपल आपके सामने बहुत अच्छा सा मैंने लिख रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक दो और करोगे, लिखो Cl2O7, क्या लिखो, एग्जाम्पल लिखो Cl2O7, तो इसमें क्या जोड़ दिया, पानी, तो क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ HClO4, ठीक है। Mn2O7, इनमें पानी जोड़ दिया था, HMnO4 पर मैग्नेटिक एसिड, ठीक है। ClO3 में पानी जोड़ा तो क्या बना, H2ClO4। N2O5 में पानी जोड़ा भैया क्या बन गया, 2 मोल नाइट्रिक एसिड। अब ये एक स्पेशल केस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़, N2O4 जो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दो चीज़ बनती हैं। तो N2O4 क्या है, एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है HNO2 और HNO3 का। Cl2O6 पानी के साथ रिएक्ट करता है तो HClO3 और HClO4 पर क्लोरस एसिड, पर क्लोरिक एसिड, नोट कर लो, सब नोट कर लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सत्यवादी आदमी, तो मैंने नीट वीट की तैयारी में चीटिंग नहीं करते थे, क्योंकि हम कहते थे ये पेपर में थोड़े मिलेगा करने को, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो तब भी मैं चीटिंग नहीं करता, तो मैंने क्या किया कि पहला टर्मिनल एग्ज़ाम और मेरे पीछे बैठे लोग जो है एकदम बगल बगल में झाँक झाँक के कॉपी से लिख रहे हैं, और मैं जो है एकदम इज्जतदार आदमी की तरह एकदम जो मुझे आ रहा है वो लिख रहा हूँ। जब रिजल्ट आया तो क्योंकि मैंने ईमानदारी से किया था तो मैं जस्ट पासिंग मार्क्स पाया था पहला टर्मिनल। हाँ, मेडिसिन में नंबर नहीं मिलता बेटिया, पूरा पूरा बैच फेल होता है, मतलब टर्मिनल जब एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो पूरा पूरा बैच फेल होता है। हाँ, तो उससे कोई वो बात नहीं है, बट ठीक है, हाँ हम लोग पास कर लेते थे। तो पहले में मैं अच्छा दिमाग में रहता रहे, मैं तो ऊपर वाले लाइन में होना चाहिए, तो मैं देखा अपने आप को नीचे वाले में। मेरे बैच में एक लड़की थी श्रेया, वो भाई वो ऐसा छाप रही थी आगे पीछे घूम घाम के, उसके नंबर सबसे ऊपर, मुझे बड़ा बुरा लगा। अब टीचर्स को लग रहा है कि इसको कुछ नहीं आता, मुझे अरे तुम खाली क्लास नहीं बता पाते हो, आंसर नहीं आता तुमको, मैं सुन लिया। अगला एग्जाम Terminal 2, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब मेरे आगे वाले से पूछ रहा हूँ, बगल वाले से पूछ रहा, सब जगह घूम घूम के मैंने कहा ये सब गया, अब खत्म। और उस टर्मिनल में मेरी एक मैम थी, वो कह रही सावन, मेरे आगे एक लड़की बैठी थी समरीन फातिमा, तो हम समरीन से पूछ रहे हैं, ठीक है, हम समरीन से पूछ रहे हैं, और मैम को लग रहा है हम समरीन को बता रहे हैं, कह रही उसको क्या बता रहे हो कह रही उसको क्या बता रहे हो। तो मैंने कहा जो है उसको उसको उनको लगा कि ये बता रहा है, तो हमको उठा करके अपने पास बिठा ली, आओ टेबल पे यहाँ बैठो। तो अब हम उनके टेबल बैठे हैं, वहाँ पे टीचरों के लिए खाने वाले को मिलता है, पता कि नहीं, न्यूज़लेटर जो होता है उनको खाने को मिल रहा है, अब अपने कुछ आ नहीं रहा, अब हम वही मैम से पूछ पूछ के लिख रहे थे बेटा निकलवाने वाला निकलवा लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी चीज लिखी है, एक शब्द लिखा है पायरो, एक लिखा है मेटा, एक लिखा है पर ऑक्सी एसिड, एक लिखा है हाइपो। तो पायरो का मतलब क्या होता है कि जब 2 मोल ऑक्सी एसिड क्या करें मिले, और क्या जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, पायरो एसिड, क्या कहेंगे, पायरो एसिड। तो क्या होता है जब भी, जैसे देखो H2S2O5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे H2SO4 में दिखाता हूँ, किस कलर से लिखूं कि आपको दिखे, वाइट से कर देना, सल्फ्यूरिक एसिड, देखो सल्फर की वैलेंस सेल में कितने, तो कहेंगे सर सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इतने बॉन्ड बनते हैं, ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है,
और एक बारी क्या था कि जनरल मेडिसिन का पेपर था, मैं जनरल सर्जरी पढ़ के गया था। अब मैं सामने वाले को बता रहा, आज तो जनरल सर्जरी का पेपर है, कह रही नहीं जनरल मेडिसिन का हमने पेपर में देख लेना। वो तो एक ठीक है, हो गया, ये समझ में आया। यहाँ से देख रहा है ये पानी निकाला हमने, तो अब देखो यहाँ से निकल गया पानी और यहाँ भैया बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? ये तो देखो H2S2 और ये क्या O7। देखो ये दूसरा एग्जांपल, ये वाला है H2S2O7। क्या कहते हैं इसको? मार्शल एसिड। कौन सी एसिड? मार्शल एसिड। ठीक है चलो नोट कर लो, ये वाला एग्जांपल नोट कर लो, H2S2O7। ठीक है 3, 3, 6, 1, 7 हाँ सही है। ये समझ में आ गया पाइरो कैसे निकालते हैं? दो एसिड थे और उसके बीच से क्या निकाल दिया था? पानी। और जो बचा वो क्या बन गया? पाइरो। तो पाइरो में 2 मोल एसिड होता। अब देखो मेटा में क्या होता है, 1 ही मोल ऑक्सी एसिड था और इसमें से पानी निकाल दिया, जैसे H3PO4। मैं स्ट्रक्चर बनाना आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। देखो ये है स्ट्रक्चर, B डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ से निकाल दो भैया पानी, तो यहाँ पर क्या बन गया? तो कहेंगे सर -H2O करने पे बन गया H3PO3। H3PO3 है, ये हटा दो, एक ऑक्सीजन हटा दो। खुशी आज तुम लाइव हो, क्यों कल से मैं डांट दिया था? क्योंकि कल सविता नहीं। अच्छा एक एक दिन करके आ रहे हैं आजकल। हाँ आज सविता भी एब्सेंट है, कोई बात नहीं, ये बनाओ, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। पर ऑक्सी एसिड दिखा रहा हूँ बना के, H2S2O8 बना के दिखाता हूँ, या दोनों में से जो कहोगे वो बना के दिखा देंगे। कहाँ बनाते हैं सर? आप ऐसा करो यहाँ बना दो, ये देखो। अच्छा सल्फर की ग्रुप नंबर क्या होता है? तो कहेंगे 6, तो मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +6। इस तरह सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम HSO5 देख दो तो एक ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भैया? ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीकरण संख्या -2। -1H2O2 क्या होता है? -2। तो 5 है तो कितना हो गया? -10। 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या होगी? +1। तो 2 हाइड्रोजन +2, ठीक है। तो -10 में +2 हटाओ कितना बचेगा? -8। -8 को बैलेंस करने के लिए कितना होना चाहिए? +8। कोई भी मॉलिक्यूल का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? 0। नहीं समझ में आया? 0। तो काहे चुप रहती हो? एक बार समझो, कोई भी मॉलिक्यूल तभी पॉसिबल है जब उसके उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये जो तुमको देखने को मिला है H2SO5 HPO3, ये कुछ भी तुमको देखने को मिल रहा है, तो इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तभी तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो अब अभी अगर ऑक्सीजन पे -10 है तो हाइड्रोजन पे +2 है, तो बचा कितना? -8। -8 को बैलेंस करने के लिए +8 होना चाहिए ना, लेकिन क्या सल्फर +8 में पाया जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सल्फर सिर्फ +6 तक ही जा सकता है बस। अब यहीं से खेल शुरू होता है कि इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो स्ट्रक्चर ये देखते हैं कि सल्फर S डबल बॉन्ड O, अभी मैं दिखा रहा हूँ OH, और ये देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों की ताकत बराबर के अलग है? तो ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तो कोई चार्ज बढ़ेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसका वजह से 0, इसकी वजह से 0। लेकिन ये कमजोर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1। और इसके ऊपर क्या आएगा? -1। अब जरा इधर वाला देखो, सल्फर ज्यादा ताकतवर कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। अरे यार पीरियोडिक टेबल नहीं आता, अरे मेरे भाई
ऑक्सीजन सल्फर तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या होगी घटेगी तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना जवाब अपने हिसाब से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया माइनस टू यहाँ आएगा प्लस टू यहाँ पर एक बॉन्ड है एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हो क्यों देखेंगे ये इधर होगा सर ये हो गया प्लस वन फिर अगेन यहाँ पर दो है तो प्लस टू जरा गिनो प्लस टू प्लस फोर क्या प्लस वन प्लस फाइव और प्लस वन और करोगे तो कितना हो गया प्लस सिक्स आ गया प्लस सिक्स हाँ या ना अच्छा जी देखो ऑक्सीजन पे जनरली माइनस टू आता है हर जगह पर यहाँ भी माइनस टू ही आएगा यहाँ पर प्लस वन आएगा लेकिन यहाँ पर गैस क्या आया माइनस वन और माइनस वन इस वाले लिंकेज को क्या कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज कौन से ऑक्साइड लिंकेज पर ऑक्साइड तो ये बना H2SO5 अब अपन बना सकते हैं अब तुम लोग ये कहो तो ये बना के दिखा दें H2S2O8 दिखा दें तो H2S2O8 कहाँ बना दूँ यहाँ बना दूँ तो देखो ये हो गया S double bond O अब यहाँ पर ऑक्सीजन फिर ये देखो बन गया कि नहीं बन गया आठ ऑक्सीजन दिख रहा है तीन तीन छः दो आठ देखो और ये देखो ये भी पूरा है SOOS लिंकेज यहाँ भी SOO है यहाँ पर SOOS लिंकेज है समझ में आ गया अब तुमको समझ में आ रहा है वो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा यहाँ पर आएगा प्लस वन तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पर प्लस वन तो यहाँ लेकिन क्या यहाँ पर फिर से माइनस वन आएगा कि जीरो आपस में क्या होगा जीरो जीरो समझ में आ गया अनायता समझ में आ गया खुशी चली गई बच्चे जो है हटा दे इरेज कर दे सब कुछ जिसको स्ट्रक्चर जानना है उनके लिए जिनको आता है वो मत लिख कंडीशन लिख लेना हाइपोक्लोरस एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हाइपोफॉस्फोरस ठीक है क्लोरिक एसिड अस और इक लिखा हुआ है सब क्या लिखा है क्लोरस एसिड हाइपोक्लोरस एसिड सुना है कि नहीं जैसे कहीं भी लिखा है HOCl क्या लिखा है तो इसका मतलब क्या है हाइपोक्लोरस एसिड क्या नाम होगा कैसे देखो इधर वहां कहां देख रहे हो प्लीज हमको दिए देख उनके पर हाइपो और यहां पर जो नॉन मेटल है दैट इज क्लोरीन है क्लोर और यहां पर अस एसिड समझ आया नहीं सर कह रहे नहीं सर हम शर्माएंगे हम नहीं पूछेंगे नोट करो ठीक है चलो ये वाली स्ट्रक्चर देखो सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है दैट इज H2SO3 H2SO3 ठीक है ये सल्फ्यूरिक वाला तो आता ही आप लोगों ने बनाया भी है अभी तो बनाया था ऐसे yes. ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ये नेचुरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं वो बना हुआ है क्योंकि भाई ज्योमेट्री sp3 है तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में बना है लेकिन आप किताब में ऐसे थोड़े बना पाओगे ऐसे बनाओ जैसे ये बनाए हो ये देखो पर ऑक्सीडो सल्फ्यूरिक एसिड क्या मैंने ये पढ़ाया था H2S2O8 अभी पढ़ाया कि नहीं मार्शल एसिड बोला था कि नहीं बोला था ठीक है पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड अभी हम लोग ने बनाया था कि नहीं बनाया था हाँ पाइरो बोला था ना H2S2O7 यहाँ पर SOS लिंकेज ठीक है नाम से एक दो ही स्ट्रक्चर बना लोगे तो हमेशा यार देखो कैरो एसिड आ गया कैरो एसिड क्या है H2SO5 तो ये हम लोग ने बनाया ना अभी ठीक है कैरोज एसिड थायोसल्फ्यूरिक एसिड दिस इज H2SO3 ठीक है और
दिस इज पाइरोसल्फ्यूरस एसिड. H2S2O5 बना लो, ये सब आता है कभी, बहुत बार एग्जाम में जनरली पूछ लेता है, स्ट्रक्चर से ही पूछ लेगा. ठीक है, तो ये जरूर से ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर देखिए ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस के, और एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो खुद ही अपने आप सब बनने लगेगा. कहो तो मैं बना के दिखाऊँ. हाँ, कोई भी फॉस्फोरिक एसिड होगा उसमें कम से कम कौन सा बॉन्ड होगा ही होगा. ये किसी भी फॉस्फोरिक एसिड में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तो होना ही होना है, इसके बाद कुछ भी बनेगा. ठीक है, तो ये लिख लो कहीं पे भी, इतना तो होगा ही हमेशा. चलिए, तो अब यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन. हेलोजन की ऑक्सी एसिड क्या होती है, हाइपोहेलस, दैट इज अगर हेलोजन, अगर क्लोरीन होगी तो क्लोरस. ठीक है, क्या होगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरस, जो जो हेलोजन होगी वही नाम होगा. देखो हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड एंड पर हेलिक एसिड. क्या क्या हो गया, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड और पर हेलिक एसिड. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे मजा आ जाएगा. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्लस वन, जिसको नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा. यहाँ पर आएगा प्लस थ्री, और यहाँ पर आएगा प्लस फाइव, यहाँ पर आएगा प्लस सेवन. किसी को पूछना है मैं बता सकता हूँ. गुड, देखो ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन. ये बॉन्ड बनेगा तो इसके ऊपर प्लस वन और इसके ऊपर माइनस वन आएगा. क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो कहेगा इलेक्ट्रॉन लाओ हमको दे दो. इसी तरीके से ये ऑक्सीजन के मुकाबले क्लोरीन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस वन, तो इसके ऊपर कितना आएगा, समझ आ गया. अब देखो इसके बाद क्या है, तो कहेंगे सर Cl और ये हो गया सर O, ये हो गया O और ये हो गया OH, तो ये माइनस वन तो ये प्लस वन, माइनस टू तो प्लस टू, और ये हो गया माइनस टू तो ये हो गया प्लस टू. इधर देखो ये प्लस फाइव है कि नहीं, ये वाला बोलो. ठीक है, अब इधर देखो क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये देखो ये माइनस वन ये प्लस वन, माइनस टू प्लस टू, तो देखो प्लस थ्री आया कि नहीं. ये वाला यहीं से खा दूँ क्या, देखो माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो प्लस टू प्लस टू और प्लस टू, और ये देखो माइनस वन प्लस वन, जरा इसको जोड़ दो, क्या ये प्लस सेवन आ गया कि नहीं आ गया. अब कर लोगे, चलो करो, लिख लो साइड लिंकेज, क्या कहते हैं, बाई सल्फाइड लिंकेज. अब देखो यहाँ पर एक बात लिखा है H2SnO4 और दूसरा लिखा है पॉलीथायोनिक. एक होता है पॉलीथायोनस और एक होता है पॉलीथायोनिक. थायोनस अस, अस कहीं पर आएगा, देखो जरा अस कहीं पर आया था, देखो प्लस प्लस थ्री कंडीशन थी कि नहीं, हेलस देखो है ना, तो इसी तरीके से थायोनस, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सल्फर की, प्लस थ्री, और जरा देखो हेलिक प्लस फाइव है, तो यहाँ पर देखो थायोनिक लिखा है, तो क्या होगा, एक लगेगा तो क्या होगा प्लस फाइव. अच्छा, क्या मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी क्यूपरस क्यूपरिक, तो क्या पढ़ाया था, क्यूपर अस कहीं लगेगा तो लोअर और एक लगेगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा वाली, कौन सी वाली, बड़ी वाली ऑक्सीकरण संख्या. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है H2SnO6. अब इसे देखो यहाँ पर लिखा है SN, मतलब बहुत सारे कंपाउंड इस तरीके से होंगे OH, S डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O सल्फर 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 डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, OH, ऐसे देख लो कितने ज़्यादा सल्फर सल्फर लिंकेज है, बहुत बहुत तरीके के मॉलिक्यूल बनते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा, बात लिखा हुआ है कि कितने सल्फर सल्फर लिंकेज बन होंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो कहेंगे कहेंगे सर जितने सल्फर है उसमें से एक कम कर दो. क्या है, तो देखो जरा एक सल्फर सल्फर बॉन्ड ये बना, एक सल्फर सल्फर बॉन्ड ये बना और एक सल्फर सल्फर बॉन्ड ये बना. क्या तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ. एक सवाल आता है अक्सर करके एग्जाम में, जैसे मान लो ये बन गया,
सवाल आया कि कितना सल्फर सल्फर बॉन्ड है इसमें क्या, तो कहेंगे सर एक सल्फर सल्फर बॉन्ड ये है, एक सल्फर सल्फर बॉन्ड ये है और एक सल्फर सल्फर बॉन्ड ये है, तो जितनी सल्फर है चार में से अगर एक कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा तीन, तो जितने सल्फर है क्या लिखा है कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है ये इस बात से पता चलेगा कि जितने भी सल्फर प्रेजेंट है उसमें एक माइनस कर दीजिए तो उतने बॉन्ड बनेंगे। बात समझ आ गई हाँ या ना, क्यों समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन अब इतने आते नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड से बाहर जा रही हैं क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत रिड्यूस होता जा रहा है और कट ऑफ बहुत हाई। तो CBSE जब पेपर कराता था, कंडक्ट कराता था नीट जेई, एक तो पेपर आउट की घटनाएं नहीं हुआ करती थी, दूसरा पेपर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा था, जब तक CBSE ने कराया तब तक कोई 720 में 720 नहीं लाया, 300 नहीं लाया जेई में, और जब से ये NTA कराने लगा है इनको पेपर का कोई स्टैंडर्ड नहीं पता, ये कुछ भी कर सकते हैं और इनके ऊपर जब भी दबाव आता है ये तुरंत जो है ग्रेस मार्क और जो है पेपर आसान करना, बस ये यही सब किया करते हैं। CBSE ने एक लेवल बनाया था कि हाँ ये बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम वापस से CBSE के हाथ में जाना चाहिए, राइट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, किसके बारे में, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है। एक और से पढ़ते जा रहे हैं, जो जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है हम उसके आगे क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात लिखी है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में होना चाहिए, पी ऑर्बिटल। दूसरी बात लिखी है कि भैया इसमें 6 ग्रुप होते हैं और यहाँ पे जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस कॉमा NH2NP 1 से लेकर के 6 तक, ये तो बहुत सिंपल सी बात है हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद लिखा है क्या कि जो डिफरेंस है वो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अंतर आता है ये ग्रुप के जो एलिमेंट है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत डिफरेंट कर डिफरेंस क्रिएट करता है। चलिए अब ये सारी चीज़ें तो बेसिक थी, अब हम लोग आते हैं अपने काम की चीज़ पर, ठीक है। हाँ, हेडिंग डालिए ग्रुप 13, क्या डालेंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट, और ग्रुप 13 एलिमेंट को क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली। और इसमें देखिए क्या क्या आपके काम का है, सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें केवल जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डैश करके लिखना है मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट एलिमेंट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोरॉन फैमिली में क्या आता है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम मेटल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, अर्थ क्रस्ट पे एल्यूमिनियम, लेकिन अगर दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तत्व एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम से पहले कौन आता है, तो कहेंगे सर ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, लिखवाया ना पूरे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा रखे। अब हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात लिखी है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो आप क्या आपको कुछ नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, और ऐसे लिखना है टॉप टू बॉटम, और ऐसे लिखना है एटॉमिक रेडियाई, क्या होगा बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, और गैलियम के बाद थैलियम, ये ऑर्डर होगा एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है। यहाँ पर इंडियम का देखो, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आना चाहिए ना, लेकिन इंडियम आ गया,
और इसको इसको लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बराबर भी होता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। इंडियम का, इंडियम का गैलियम से ज़्यादा होना चाहिए, इंडियम का गैलियम से ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन गैलियम का ज़्यादा है इंडियम का कम है, या आप कह सकते हैं गैलियम और इंडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो बराबर है। इसके पीछे का रीज़न लिख लो, रीज़न लिखो, लिखो प्रेजेंस ऑफ, लिखो पुअर स्क्रीनिंग, बस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, बस आगे बढ़ जाए। चलो हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? जैसे मान लो ये दो छोटंकू बच्चे हैं, क्या नाम है सामने और खुशी, अरे क्या नाम है इसका, खुशहाली, आयुषी, ठीक है, हाँ इतने नाम है कि ठीक है। अब जैसे तुम सोचो कि तुम यहाँ आगे बैठी पढ़ रही हो, इनको कह, इनको जो है घूमने जाना हो और ये तुमको इन्फ्लुएंस करने की, तुम भी बहन तुम भी चलो, तो बहन को ऐसा कुछ ऑफर करना पड़ेगा ना, तब तो जाएगी, नहीं नहीं मेरी क्लास छूट रही है, तो वो क्या करेगी, वो बड़ा ऑफर करेगी, चलो चलो तुमको जो है बढ़िया श्याम स्वाद का समोसा खिलाते हैं, ठीक है। तो मतलब बड़ा ऑफर विल डिसाइड, तो ये जो एनर्जी इन्होंने लगाई इनको यहाँ से ले जाने के लिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसकी बाहरी कक्षा में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या समझ में आया, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है, कि बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसको याद करने का तरीका है बोतल गाल में, ठीक है, मे मतलब इन, ठीक है, हाँ तो आई बोतल गाल में, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, निमोनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बोतल गाल मुंह, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोरॉन थैलियम इंडियम, ठीक है, बोरॉन थैलियम गैलियम इंडियम, ठीक है, ऐसे याद करिए, अरे एल्यूमिनियम कहाँ चला गया, बोरॉन थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम और इंडियम, ठीक है। पीपीटी का जो है फॉन्ट का जो थिकनेस है वो कम हो गया ना, तो याद करने का तरीका क्या है, आई याद करने के लिए भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हर बार अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है, नोट कर लीजिए। जनरली ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, नहीं बोल गए सब, पीरियोडिक टेबल नहीं आता, याद है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसको किसको एकदम नहीं याद है, अगर बताओ तो मैं एक बार में सिखा दूंगा, एक बार लगेगा बस, नहीं आती ना, देखो याद रखना, ये है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये है सेंटर, और सेंटर से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट किधर, जनरली हम बात करते हैं सेंटर से राइट, लेकिन आप समझिए कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, क्यों, क्योंकि सेल का नंबर वही रहेगा, जो कक्षाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं, जैसे दूसरे पीरियड के एलिमेंट हैं तो हर एलिमेंट उस पीरियड का के पास उतनी ही सेल होगी, खुद सोच लो कहाँ से याद कराएं, लिथियम देखो 1s2 2s1 है ना, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम देखो 1s2 2s2 तो सेकेंड सेल ही हुई ना, दो ही तो कक्षाएं हुई, बोरॉन 1s2 2s2 2p1 तो दो ही तो सेल हुई, पहली और दूसरी, अभी टू ही तो चल रहा,
उसके बाद कार्बन में 2p2, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, ठीक है, और फ्लोरीन में 2p5, उसके बाद नियॉन में 2p6। लेकिन क्या सेल नंबर बढ़ा क्या? हर जगह 2 ही था ना। ठीक है, तो एक बात समझ में आई, क्या समझ में आया कि सेल का नंबर नहीं बढ़ा लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। देखो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, जैसे बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो भैया न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी। इससे मान लो तुम रहते हो बीकेटी पे, कहाँ रहते हो? बीकेटी पे। घर वाले कूट देते थे कहीं बदतमीजी करते देख लेंगे, हम लोग तो करते भी नहीं थे, बड़ा खौफ था। यस सर, होता ही है हमारे यहाँ तो, बड़ा खौफ रहता था, अरे कहीं पापा ना देख ले, कहीं चाचा ना देख ले। भैया घर गर्दन नीचे करके जाओ, गर्दन नीचे करके आओ, कोचिंग स्कूल ये सब नाटक नहीं चलता था हमारे यहाँ तो। ये नियम बहुत सख्त था, कहीं बदतमीजी करते देखेंगे वहां तो मारेंगे मारेंगे, घर पे अलग मारेंगे। हाँ, ईमान नहीं बढ़ाते थे और बढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, ये निमोनिक समझ में आ गया? निमोनिक समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिली वो क्यों है? क्योंकि ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्क्रीनिंग इफेक्ट टू कंपनसेट द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। केवल एक शब्द में सुन लो कि भैया पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या? बस ठीक है, चाहो तो लिख लो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, अरे हम लोगों ने पढ़ा भी था, घर में बाप दादा बड़े पापा बड़ी मम्मी जितनी ज्यादा रहेंगे तुम उतने बदमाश रहोगे, तो पापा का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर कम रहेगा, और अगर वो लोग कहीं चले जाएंगे तो इफेक्ट बढ़ जाएगा। वही लिखा है कि अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगा, स्क्रीनिंग घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस की पकड़ आखिरी इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगी। समझ आ गई बात? हो गई। अब एक बात लिखी हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। वहां इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो रही थी। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो घटती है, बाद में बढ़ती है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले जो है बोरॉन से एल्युमिनियम तक क्या होती है? घटती है, और उसके बाद गैलियम इंडियम थैलियम तक बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।